नमस्कार किसान भाई और मेरे पशुपालकों, ई ज्ञान के सेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम जानते ही हैं कि हमारे पशु जो हैं वो किन्नी और चीचड़ से कितना परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से उनके दूध उत्पादन में जो है प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, इसी के लिए मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे सस्ते चीज़ों से जो है हम एक अच्छा औषधि बना सकते हैं, जिनसे वे किन्नी और चीचड़ से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही जानकारी हम अब तक लाते रहते हैं। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए हमको लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल आपको 250 ml के आसपास लेना है, और ये सरसों का तेल आप कोई भी सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों इसमें। और दूसरा लेना है हमको 20 ग्राम जो है हल्दी लेनी है। इसमें भी आप जो है बाजार से लेने वाली हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घर से पिसी हुई भी हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद लेना है हमको साधारण नमक लेना है दोस्तों, वो लेना है हमको 10 ग्राम के आसपास, 10 से 15 ग्राम हमको जो है साधारण नमक का इस्तेमाल करना है। तो ये तीन चीज़ें हैं दोस्तों, जिसे हम चिंचड़ से बचाव करने वाली दवाई बनाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमको लेना है एक पतीला, जिसमें हम इस सरसों के तेल को, हल्दी को और नमक को मिलाएंगे। तो इस पतीले में अच्छे तरीके से सरसों का तेल डाल दीजिए। सरसों का तेल जो है बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक होता है दोस्तों, और हल्दी को तो हम जानते ही हैं, ये भी बहुत अच्छा एंटीबायोटिक होता है, इसलिए चिंचड़ पे बहुत ही कारगर होता है। और हम लेंगे उसके बाद इस हल्दी को भी, हम जो है 20 ग्राम का जो हल्दी है उसको भी हम इसमें डाल देते हैं, और उसके बाद इसको चम्मच की सहायता से अच्छे तरीके से मिलाएंगे, ताकि इसमें कोई गांठे वगैरह ना पड़े। अगर गांठे वगैरह होंगी दोस्तों तो इसको लगाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए हम जो है इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। हल्दी तो आसानी से घुल जाता है दोस्तों, लेकिन इसके बाद जो है हम इसमें नमक डालेंगे। जो ये 10 से 15 ग्राम का जो नमक है, थोड़ा इसको घुलने में थोड़ा समय लगता है, तो इसमें जो है आप ये काम कर सकते हैं कि इसे सब मिलाने के बाद आप 10 मिनट इसे रख सकते हैं और थोड़ा सा इसको फिर से मिला सकते हैं। तो इससे जो है एक अच्छा मिश्रण तैयार हो जाएगा दोस्तों। कई किसान भाई और पशुपालक जो हैं वो इसमें मिट्टी का तेल भी मिलाते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, क्योंकि मिट्टी का तेल जो है वह नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मिट्टी का तेल जो है वह जो है शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए जो है मिट्टी के तेल को आप इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह ये तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो भी जो है एक कारगर जो है चिंचड़ से मुक्त होने वाला आप दवाई बना सकते हैं। इसे लगाने के लिए जो है जहाँ जहाँ पर पशुओं की चिंचड़ ज़्यादा है वहाँ पर तो इसे आप ज़्यादा लगाइए, बाकी जगह भी आप लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप इसका इस्तेमाल जो है दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी आने वाली जानकारी आप तक पहुँच सके सबसे पहले। थैंक यू।